शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आरती, आरती। अरे अरे मम्मी जी, दामाद जी आ गए आप। अरे बहुत थके थके से लग रहे हैं आप। आप हाथ मुंह धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए, आरती चाय लाती होंगी। एक बात खटक रही है कई दिनों से दिल में, आपको बताना चाह रही थी मैं। हाँ हाँ मामी जी बोलिए ना। दामाद जी दाद देनी पड़ेगी आपकी हिम्मत की। कितने खर्चे संभालते हैं आप? अब देखिए ना, दवाइयों का खर्चा, डॉक्टरों की फीस, घर में राशन पानी का खर्चा। इंसान बचत करना भी चाहे तो कहाँ से करे। सीपी में मोती सी, मंदिर में ज्योति सी, चंदन की खुशबू बसी है सांसों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। हिरनी सी चंचल है, तितली सी कोमल है, सोने के पंखों से आकाशों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। मम्मी जी महंगाई इतनी है। महंगाई? हाँ बेटा महंगाई तो है ही ना, दिल तो घबराएगा ही ना। अब आपके खर्चे भी तो बढ़ने वाले हैं क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। बच्चों के 100 खर्चे होते हैं दामाद जी। एक बात कहूँ, माँ बाप भले ही अपने पे 100 कमियां ले ले, लेकिन अपने बच्चों के लिए कोई कमी करना नहीं चाहते। हाँ अब जो हालत है उसमें आपका बच्चा तो अच्छे कपड़े नहीं पहनेगा, महंगे खिलौने से नहीं खेलेगा, अब जो भी उसे मिलेगा घर में वही खा लेगा। लेकिन आजकल बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना भी तो आसान काम नहीं है दामाद जी। पता है माँ बाप तो ना शुरू से ही बच्चों की पढ़ाई की तैयारियां शुरू कर देते हैं। मैं आरती से भी कह रही थी, दामाद जी बेचारे बड़े भोले हैं, बाकी लोगों की तरह चालाक नहीं है। अब कहना क्या चाह रही है? ना ना बेटा, मैं क्या कहूंगी, मैं कुछ नहीं कह रही थी बेटा, बस मैं इतना कह रही थी कि राज और रानी घर के लाडले हैं। पहले उनके घर में एक की कमाई आती थी, अब दो की कमाई आने लगी। खर्चा भी क्या है उनके घर का, सारा पैसा तो बच जाता होगा। महीने के 20 दिन तो यहीं खाना खाते हैं वो लोग। मम्मी जी अब क्यों ना खाएं भाई, उनके माँ बाप रहते हैं यहाँ, बड़े दिल वाला बड़ा भाई रहता है यहाँ। आप लोगों का बच्चा तो माँ बाप का मुंह देख के पल ही जाएगा, लेकिन आपके यहाँ तो राज और रानी ने बड़ी अच्छी प्लानिंग की है। जब उनका बच्चा होगा ना तो जो कुछ उन्होंने बचत की है उनका बच्चा अच्छी तरह से पलेगा। राम 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 राम। मैं भी कैसी पागल हूँ, आप ऑफिस से इतने थक के आए हैं अभी अभी, और मैं भी। अब आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं जरा चाय का देख लेती हूँ, ठीक है? दामाद जी आपको बुरा तो नहीं लगा, लेकिन क्या करूं, आप मेरे दामाद थोड़ी हैं, मैं तो आपको अपना बेटा समझती हूँ ना, इसलिए दिल की बात आपसे कर बैठी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा मुझे। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आपको तो हक है कहने का। तभी तो। एक बात कहूँ दामाद जी, आजकल बचत करने में ही समझदारी है। मम्मी जी इंसान को वैसे ही रहना पड़ता है जैसे उसके हालात होते हैं, समझदारी कर भी तो किस बात पर। हाँ वो बात तो है, लेकिन आप दो भाई हैं दामाद जी, राज का घर भी यहाँ से कितना दूर है, अगर आप दोनों मिलके जिम्मेदारी उठाए तो, मतलब समधी और समदन जी 6 महीने यहाँ
और 6 महीने राज किया। हाँ, इससे खर्चा भी बढ़ जाएगा, जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी और दोनों घरों में प्रेम और भाईचारा भी बना रहेगा। दामन जी, अब देखिए ना, वो आरती पता नहीं चाय क्यों नहीं ला रही है, मैं देख लेती हूँ। ठीक है आरती। माँ बाप भले ही अपने पे 100 कमियां ले, लेकिन अपने बच्चों के लिए कोई कमी करना नहीं चाहते। हाँ, जो हालत है उसमें आपका बच्चा तो अच्छे कपड़े नहीं पहनेगा, महंगे खिलौनों से नहीं खेलेगा। वैसे काम करना, पैसा कमाना आपकी किस्मत में है, और वाह वाह कराना, प्यार पाना राज की किस्मत में है। और ये प्रिस्क्रिप्शन है, उन्हें दवाइयां टाइम पर और ध्यान से देती रहना। उसकी चिंता मत कर तू, राज को सब पता है कौन से वक्त पर कौन सी दवा देनी। लेकिन आपके यहाँ तो वो राज और रानी ने बड़ी अच्छी प्लानिंग की है। आप दो भाई हैं दामाद जी, अगर आप दोनों मिलकर जिम्मेदारी उठाए तो, मतलब समधी और समदन जी 6 महीने यहाँ और 6 महीने राज के यहाँ, 6 महीने और 6 महीने राज के यहाँ, 6 महीने राज के यहाँ और 6 महीने राज के यहाँ। अरे मनोज बेटा ले, अच्छा ही हुआ तू मिल गया, मैं तुझसे बात करना चाह रही थी। 1 मिनट। हाँ बेटा, ये देख, ये है ना डॉक्टर प्रकाश रेगे का कार्ड है, वो जो तेरे पापा के लिए, जो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए कहा था, राज बता रहा था बहुत अच्छा डॉक्टर है, तेरे पापा को बहुत आराम मिलेगा इनसे इलाज करवा के, राज उन्हें ले जाया करेगा हॉस्पिटल। और डॉक्टर की फीस? अरे बेटा कौन सा डॉक्टर फ्री में करता है इलाज, फीस तो देनी ही पड़ेगी ना। राज बता रहा था 500 रुपये 1 सिटिंग के होंगे और हफ्ते में 2 सिटिंग तो होनी जरूरी है। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहा है तू? माँ, मैं सोच रहा हूँ कि। बोलना क्या सोच रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए आप और पापा दोनों राज के साथ रहने क्यों नहीं चले जाते। राज को भी अच्छा लगेगा। ये तो क्या कह रहे रे? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको भी अच्छा लगता है ना राज के साथ रहना, तो कुछ दिनों के लिए रह लीजिए ना उसके साथ। मनोज तू देखिए माँ, मुझे समझने की कोशिश। ना मनोज ना, कुछ कहने की जरूरत नहीं, और इस उम्र में तुझे मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है बेटा। तू यही चाहता है ना कि हम बूढ़े माँ बाप का बोझ अब बहुत हो गया। अरे बेटा मेरे बच्चे, तुझे पत्थर ही मारना है ना, तो बेटा मखमल में लपेट के क्यों मार रहा है, सीधे मार दे। तू ये कहना चाहता है ना कि मैं और तेरे पापा राज के घर में चले जाएं
तू हमें राज के घर नहीं भेजना चाहता है, तू ये कहना चाहता है कि हम दोनों इस घर से निकल जाएं। नहीं नहीं माँ, बस बस मेरे बच्चे बस। और क्या कहेगा तू मुझे बता, क्या कहेगा तू? तुझको जो कुछ कहना था तू कह चुका, अब रहा क्या कहने के लिए बेटा? और मुझे जो समझना था मैं अच्छी तरह से समझ गई। अब बेटा हम दोनों तुझ पर और बोझ नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे। वैसे बता रहे हैं समधन जी, आप तो राई का पहाड़ बना रही है। देखिए ना दामाद जी, आपने एक छोटी सी बात क्या कह दी, इन्होंने तो आपको हजार बातें सुनाई। एक मिनट समधन जी, खबरदार आप तो कुछ कहेंगे ही नहीं, क्योंकि ये माँ और बेटे के बीच की बात है। आप कुछ नहीं कहेंगे। वैसे भी मेरा ये बच्चा जो है ना कच्चे कान का है, ये आप ही की जबान बोल रहा है, आपकी भाषा बोल रहा है, ये सब समझती हूँ मैं। एक मिनट देखिए समझ जी, यहाँ मेरे दामाद जी आपके घर की पूरी जिम्मेदारियां उठाते नहीं सकते, पर आप उन्हें इस तरह की बातें सुना रही हैं। आप ही शायद भूल रही हैं कि ये जो आपका दामाद है पहले वो मेरा बेटा है। अरे बेटे तो माँ बाप के लिए जो कुछ भी करते हैं, कोई एहसान नहीं करते माँ बाप पर। और माँ बाप बेचारे अपने बेटों को अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, तब दुनिया के कोई भी माँ बाप ये नहीं सोचते कि 6 महीने एक बेटे को पालूंगी और फिर अगले 6 महीने दूसरे बेटे को पाल लूंगी, ऐसा नहीं सोचते रे मनोज माँ बाप। लेकिन जब बेटे बड़े हो जाते हैं ना तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है, साल के महीने महीनों को दिन में बांट देना बहुत आसान हो जाता है। माँ बाप के लिए जो भी उसकी औलाद करती है ना कोई तीर नहीं चलाती, फर्ज बनता है औलाद का करने का। यहाँ तो ऐसा नहीं देखा, यहाँ तो एक बेटा फर्ज निभाता है और दूसरा 2-4 मीठी बातें करके बहला जाता है। वैसे बता रहे समधन जी, आप अपने छोटे बेटे राज को भी तो मौका दीजिए आपकी सेवा करने का। शर्म कर मनोज, अरे शर्म से डूब मर तू, शर्म आनी चाहिए मनोज। तेरी सास यहाँ खड़े होकर तेरी माँ को 4 बातें सुना रही है और तू चुप खड़ा हुआ देख रहा है। अब तू मेरी बात सुन, तू यही चाहता है ना कि हम लोग राज के घर चले जाए? ठीक है बेटा, अब तू हमारी तरफ से निश्चिंत हो जा। तूने ऐसा सोचा है तो ऐसा ही होगा, मेरा राज हम लोगों को अच्छी तरह से पाल लेगा, प्यार भी करेगा हम लोगों को, कोई तकलीफ नहीं देंगे मेरा राज और मेरी रानी। लेकिन तू एक बात सुन ले, आज के बाद तेरी माँ के लिए तेरे घर का पानी पानी की एक बूंद भी हराम है मनोज। आप चुप, कुछ नहीं कहेगा तू, बस मेरी एक छोटी सी बात मान ले। तेरे आगे हाथ जोड़कर कहती हूँ, जो कुछ तूने मुझसे कहा अपने पापा के सामने मत बोलना मनोज, क्योंकि इस उम्र में और ऐसी बीमारी में वो ये दर्द और ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। माँ आप मुझे गलत, अरे बात का बतंगड़ बना दिया समधन जी ने। वैसे बता रहे हैं
अभी तक तो छोटे बेटे के पास रहने नहीं गए तो उसके गुणगान गा रहे हैं, और आपने जो इतने साल किया ना उस पे पूरा पानी फेर दिया समधन जी ने, है ना? वैसे बता रहे हैं, मजा आ गया। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए आप और पापा दोनों राज के साथ रहने क्यों नहीं चले जाते, राज को भी अच्छा लगेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको भी अच्छा लगता है ना राज के साथ रहना, तो कुछ दिनों के लिए रह लीजिए ना उसके साथ। सुनिए जी, आंख लग गई क्या? मैं कुछ कहना चाह रही थी आपसे। कई दिनों से मन में एक बात है, वो अपने राज रानी है ना, कई दिनों से जिद कर रहे हैं कि माँ पापा आप लोग आकर हमारे घर में क्यों नहीं रहते। तो जी मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना हम अपने बच्चों का मान रखें, अगर बात नहीं मानेंगे तो कहीं हमारे बच्चे हमसे नाराज ना हो जाए ना। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना कुछ दिनों के लिए आप और मैं राज रानी के घर चलें, आज ही चलते हैं। हाँ, आप रोते क्यों हैं? आप रोइए मत, रोइए मत। देखिए जी, आप दिल छोटा मत कीजिए। मैं जानती हूँ मेरे बगैर बोले ही आप मेरे दिल की हर बात समझ जाते हैं। देखिए जी, ये तो आजकल दुनिया का चलन है, दस्तूर बन गया है। आप और मैं अकेले माँ बाप नहीं है जो अपने बच्चों पर बोझ बन गए हैं। इस दुनिया में आप जैसे और मेरे जैसे बहुत सारे माँ बाप हैं जी। और फिर आप खुद सोचिए, हम अपने मनोज पर ज्यादा बोझ तो नहीं बन सकते ना। अपने बच्चे को तकलीफ कैसे दे सकते हैं जी? और फिर आप ये सोचिए जी, हमें इस उम्र में क्या चाहिए? प्यार और सम्मान ही चाहिए ना। तो वो तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारे राज और रानी हमें सब कुछ देंगे, सब कुछ। चलेंगे ना जी आप? Mm-hmm.